उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली का तोहफा दिया। सीएम योगी ने सोमवार को राज्य कर्मचारी पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस की घोषणा के साथ ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भी बढ़ाने का फैसला किया गया है, ऐलान किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही यूपी सरकार दिवाली पर हर कर्मचारी को 6,908 रूपए का बोनस भी देगी। इससे पहले कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। सीएम योगी ने बताया कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2022 से लागू की जाएगी, यानी कर्मचारियों को बीते 3 महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। सीएम योगी ने कर्मचारियों को बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके राज्य कर्मचारियों को पेंशनर्स को बधाई दी। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 34% को 1 जुलाई 2022 से बढ़ाकर 38% कर दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रत्येक कर्मचारी को 6,908 रूपए बोनस देने का निर्णय लिया गया है। आप सभी को हार्दिक बधाई।